दोस्तों राधे राधे। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा में शंख बजाने का बहुत महत्व होता है। हिंदू देवी देवताओं के शंख को देखकर उनकी पवित्रता और महत्व का अंदाजा स्वयं ही लगाया जा सकता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख भी है। शंख जितना भगवान विष्णु का प्रिय है, उतना ही माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। समुद्र मंथन से स्वयं माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसे में शंख को उनका भाई माना जाता है। हमारे देश में जहाँ कहीं भी भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा होती है, वहाँ पर शंख को जरूर बजाया जाता है। आइए जानते हैं शंख से जुड़े विभिन्न लाभ के बारे में। शंख को दरिद्रता एवं दुख दूर करने वाला बताया गया है। जिस घर में दक्षिणवर्ती शंख रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्थानीय रूप से निवास करती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में विधि विधान से स्थापित करें और दिन प्रतिदिन माता लक्ष्मी के साथ इस शंख की पूजा करें। जिस घर या परिसर में प्रतिदिन शंख बजता है, वहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। शंख से निकलने वाली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। व्यवसाय में आ रही बाधाओं को दूर करने और उसमें वृद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख को अपने व्यापारिक स्थल पर भगवान विष्णु की फोटो के नीचे रखें और प्रतिदिन इसकी पूजा करके इस शंख में गंगा जल भर के पूरे कार्यालय में छिड़कें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए शीशे के बने कटोरे में लघु मोती शंख रख कर उसे अपने बेड के पास रखें। शंख के इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पति पत्नी के अच्छे संबंध बनते हैं। यदि आपका विदेश जाने का सपना है और आपके इस लक्ष्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो आप शंख से जुड़ा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी माता के हाथ से चावल भरा एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसे उस जगह पर रखें जहां पर आपके विदेश जाने संबंधित कागजात रखे हों। इस उपाय से विदेश जाने की सभी रास्ताएं खुल जाती हैं। यदि शंख की पूजा तुलसी से करें तो घर में किसी प्रकार के क्लेश, बीमारी, दुख, दरिद्रता आदि का प्रवेश नहीं होता है। शंख बजाने से सिर्फ धार्मिक लाभ ही नहीं बल्कि शारीरिक लाभ भी मिलता है। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं पूरक, कुंभक और प्राणायाम एक साथ संपन्न होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर करना भी ना भूलें। राधे राधे।